जेएमएम नेता कारू यादव और निजितपुर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर उमा शंकर के बीच बुधवार को विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जेएमएम नेता कारू यादव और उनके समर्थक राहुल चौक को जाम कर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर उमा शंकर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये लोग प्रदर्शन करने लगे। वहीं स्थिति को तनावपूर्ण होता देख मौके पर कतरास थाना की पुलिस दलबल के साथ पहुंची। सड़क जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी निशा मुर्मू भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे। दरअसल जेएमएम नेता कारू यादव ने किसी महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर उमा शंकर से शिकायत की। इस बीच दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई, बात बिगड़ गई। मामले में डॉक्टर उमा शंकर ने कहा कि कारू यादव और उनके समर्थकों ने उन्हें और उनके कर्मियों को मारा पीटा है। वहीं कारू यादव का कहना है कि अस्पताल कर्मी और डॉक्टर उमा शंकर ने बातचीत के दौरान उन लोगों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।